छिंदवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने लव जिहादियों की फांसी की मांग को लेकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। वल्लभगढ़ में लव जिहाद की घटना से नाराज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने विरोध में जमकर नारेबाजी की और लव जिहादियों को सरकार से फांसी की मांग की। गौरतलब है कि हरियाणा के वल्लभगढ़ में तौफीक नामक जिहादी एवं उसके साथियों द्वारा निकिता तोमर नामक छात्रा को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। जब उसने इसका विरोध किया तो उस छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने लव जिहाद के आरोपियों को फांसी की सजा के लिए कानून बनाए जाने की भी मांग की। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के युवा आयाम, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय ओजस्वनी परिषद और किसान परिषद के सभी आयाम के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा यहाँ छिंदवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट में हमने ज्ञापन सौंपा है। विगत दिनों जो घटना घटी है, बल्लभगढ़ की जो घटना है, इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद आक्रोशित है। एक निकिता तोमर नाम की हिंदू लड़की को कुछ जिहादियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। जब उसने विरोध करी तो उसको गोली मार करके और उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी घटना से राष्ट्रीय बजरंग दल आक्रोशित है और हमने राष्ट्र ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से यह मांग की है कि यहाँ जो केस है इसको फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। वो कहते थे, चार धाम की यात्रा किए बिना कहीं नहीं जाने वाला मैं। सरकार भी तब तीर्थ दर्शन योजना चला रही थी। बहुत ही कम सरकारें होती हैं जो भावनाओं को भी समझती हैं। जाने की पूरी तैयारी भी थी हमारी और फिर सरकार बदल गई और तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई। हम बुजुर्गों की आस्था को कुचला। जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। गरीब का पेट कभी भूखा ना रहे, ये सोचा भाजपा सरकार ने। गरीब की भूख किसी कार्ड की मोहताज ना रहे, ये सोचा भाजपा सरकार ने। गरीब को पैसे की कमी ना सताए, ये सोचा भाजपा सरकार ने। हर मुश्किल में भरोसा है, एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।